नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यास बोर्ड की बैठक 20 नवंबर 2021 को होने वाली है। पहले इस बैठक के लिए 16 नवंबर 2021 का दिन यहां पर ईपीएफओ द्वारा घोषित किया गया था, पर बाद में इसमें जो बदलाव हुए है तो उसके तहत अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की यह जो महत्वपूर्ण बैठक है वो 20 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसी बैठक को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक कार्यक्रम भी घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि अगले आने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को देखते हुए जो सीबीटी के सदस्य है तो उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु जो ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान है तो उसके तहत जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य है तो उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों का ज्ञापन जो है वो सौंपा जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है वो अगले आने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में उठाया जा सके और इसके ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए नैक के एक प्रतिनिधि मंडल में दिल्ली दौरे के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य हैं तो उनको मुलाकात करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। माननीय कमांडर अशोक जी राउत की उपस्थिति में सीबीटी के जो सदस्य हैं तो उनसे मुलाकात की गई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों से संबंधित एक निवेदन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्यों को सौंपा गया है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रूपए, उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करने की और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उच्च पेंशन का भुगतान करने की जो मांगे है तो उसके बारे में उस पत्र में जो है वो लिखा गया है। तो जी यह जो पत्र है तो उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्यों के साथ नैक के प्रतिनिधि मंडल की ये जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है तो उसके बारे में विस्तार से अभी हम जान लेते हैं। पर हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो अपडेट है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी 31 अक्टूबर 2021 को नैक का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन औरंगाबाद महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था, जिसमें अगले आने वाली सीबीटी की बैठक को देखते हुए बड़े फैसले लिए गए थे, जिसके तहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य है तो उनको ज्ञापन सौंपे जाने के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया था। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य हैं तो उनके निवास स्थानों के सामने धरना प्रदर्शन दिए जाने का भी कार्यक्रम यहां पर घोषित किया गया था, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में उठाई जा सके और पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा हो सके। तो इसी को लेकर नैक के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिल्ली में सीबीटी के जो सदस्य है तो उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में मुलाकात कर बैठक कर ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन माननीय कमांडर अशोक जी राउत की उपस्थिति में सौंपा गया है। तो जी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 20 नवंबर 2021 को संपन्न होने वाली सीबीटी की मीटिंग में मिनिमम पेंशन ₹7,500 प्लस डीए मंजूर करवाने हेतु निवेदन दिया गया है। माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने पत्र में लिखा है कि मिनिमम पेंशन ₹7,500 प्लस डीए पेंशन फंड से ही प्रदान करना संभव है, यह उनके द्वारा एक टेबल में विस्तार से बताया गया है। इसी पत्र में ईपीएफओ के दिनांक 31 मई 2017 के अंतरिम पत्र को वापस लेकर उच्च पेंशन की मांग को मंजूर करने का मुद्दा भी उठाया गया है। पत्र में आगे कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगें शीघ्र मंजूर की जाए, जिससे कि पेंशनर्स को बचाया जा सके और बुल्ढाणा में पिछले 3 सालों से जारी क्रमिक अनशन को सम्मान पूर्वक समाप्त किया जा सके। इस पत्र के संदर्भ में दिनांक 4 मार्च 2020 का भी पत्र जोड़ा गया है। न्यावत हो कि दिनांक 5 अक्टूबर 2021 को माननीय कमांडर अशोक जी राउत की केंद्रीय टीम के साथ दिल्ली में माननीय सीबीटी सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री एच जे पांडा, माननीय सीबीटी सदस्य और हिंदू मजदूर सभा के महासचिव श्री हरभजन सिंह सिद्धू, AITUC के सीबीटी सदस्य प्रतिनिधि श्री आदि से मिले थे।
इन सभी सदस्यों के साथ माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चा भी की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि पेंशन मुद्दे पर केवल चर्चा नहीं, अब निर्णय लेकर ईपीएस 95 पेंशनर्स की चार सूत्रीय मांगों को मंजूर करने का समय आ गया है। यह निवेदन कर ज्ञापन भी सादर किया गया था। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए नैक द्वारा अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य है तो उनको एक पत्र भी जारी किया गया है, ताकि अगली आने वाली सीबीटी की बैठक जो 20 नवंबर 2021 को होने वाली है, तो उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया जा सके। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए नैक द्वारा ये जो पत्र लिखा गया है, जिसमें 8 नवंबर 2021 को सभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य है तो उनको संबोधित करते हुए कहा गया है मिनिमम पेंशन ₹7,500 पर मंथ अलोंग विद डेयरनेस अलाउंस एंड बेनिफिट ऑफ पेंशन ऑन हायर सैलरी टू बी मेड एप्लीकेबल फोर्थविथ। रिस्पेक्टेड सर, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन डेटेड 20th of November 2021. The National Education Committee brought to the notice of all CBT members as regard to the validity, feasibility of minimum pension ₹7,500 along with dearness allowance declared at regular interval via letter number EPS95NAC/4320 dated 4th of March 2020. The impugnant said later gone unnoticed and the pensioners are deprived of the minimum pension even though it is established that EPS 95 pension scheme is viable with minimum pension of ₹7,500. The identical calculation based on annual report 2019-20 has been exercised with the aid and effort of National Education Committee. The table appended speaks the very truth of validity without touching to the corpus of principal capital. This fact has been admitted in an annual report 2019-20, which inter alia reflects that the fund has constitutively more receipts than outgo since inception. This position will continue to remain constant with the increased pension of ₹7,500. Along with the price index, that is DA, declared at regular interval. In the queue of National President NAC, I argue to leap the veil and discern the pit and substance in table indicated the letter dated 4th of March 2020 and the table A appended with the letter and arranged to increase the minimum pension of ₹7,500 DA. Also, benefit of pension on higher salary cannot be correlated with the financial burden. It is implementation is based on the Honorable Supreme Court judgment dated 4th of October 2016 and subsequent letter dated 23rd of March 2017. The ideological letter dated 31st of May 2017 to be withdrawn to treat all on equal footing and thus EPFO should preclude it for irrelevant statement as regard to inapplicability of benefit of pension on higher salary. The review petition pending before Honorable Supreme Court is against the judgment of Honorable High Court Kerala in which the amendment carries out of 2014 has been quashed. Therefore, benefit of pension on higher salary and review petition is entirely different and thus EPFO should not intermix the one petition over the other and deprive the benefit of pension on higher salary. The reasons canvassed by the EPFO about minimum pension and higher pension is totally unlawful and need to be thwarted out in minimum pension and benefit of pension on higher salary as inverted in aforesaid paragraph. Hence, I argue to the Honorable Central Board of Trustees to bestow the justice upon the pensioners in terms of minimum pension and benefit of pension on higher salary. The positive action in this issue will save the lives of thousands of old age pensioners as well as the chain hunger strikes ongoing on from last 3 years will come to an happy end instead of intensifying further. Thanks. तो जी हाँ, माननीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य है तो उनको माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है वो एक पत्र जो है वो दिया गया है। तो उस पत्र में जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों को मंजूर करवाने हेतु निवेदन दिया गया है। साथ में नैक द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी किस तरह से हो सकती है तो उसके लिए एक टेबल भी माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा प्रिपेयर किया गया है,
जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है वो किस तरह से हो सकती है, तो वो विस्तार से बताया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो पेंशनर्स है, स्पाउस पेंशनर्स है यानी फैमिली पेंशनर्स है, जो चिल्ड्रन पेंशनर्स है, जो नॉमिनी पेंशनर्स है, जो पेरेंट पेंशनर्स है, जो ऑर्फन पेंशनर्स है, तो उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और उनको हर महीने हर साल कितनी पेंशन का भुगतान किया जाता है और ईपीएफओ द्वारा जो अर्निंग होती है तो उसमें से कितना यहाँ पर बचता है, तो वो विस्तार से बताया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को अगर 7,500 रुपए बढ़ाया जाता है तो ईपीएफओ के पास जो है वो पर्याप्त फंड जो है वो शेष रहेगा और अगले वित्त वर्ष के लिए पेंशन भुगतान का इंतजाम हो सकेगा, ऐसा इस टेबल में जो है वो दिखाया गया है। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए नैक द्वारा एक डिटेल पत्र जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दिया गया है, जिसके तहत अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसको लेकर जो है वो शायद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में जो है वो एक अच्छा फैसला लिया जा सकता है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर नैक द्वारा सीबीडी के सदस्यों को जो है वो एक पत्र जो है वो लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए सभी सीबीडी के सदस्यों को जो है वो निवेदन दिया गया है कि वो अगले आने वाली बैठक में जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करे ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बचाया जा सके। तो जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की यह जो महत्वपूर्ण बैठक है वो 20 नवंबर 2021 को जो है वो आयोजित की गई है। अगर इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया जाता है और इसे मंजूरी मिल जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो न्यूनतम पेंशन की डिमांड है तो उसके हिसाब से जो है वो पेंशन मिल सकेगी। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाली जानकारी है तो उनके बारे में आपको समय समय पर पता चल सके। फिलहाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में क्या अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको जो 20 नवंबर 2021 की बैठक संपन्न होने वाली है तो उस अपडेट के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।